नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्पेशल का। ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कट्टरपंथ की आग में जलते सुलगते बांग्लादेश की। वहां से एक और दुखद खबर आई है। बांग्लादेश के एक बड़े टीवी चैनल की महिला पत्रकार सारा रहनुमा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं सारा रहनुमा कट्टरपंथियों की लगाई आग का तो शिकार नहीं हो गई। 32 साल की सारा रहनुमा का शव झील में मिला। वो गाजी टीवी में न्यूज रूम एडिटर और एंकर थी। उनकी मौत पर हसीना के बेटे ने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक क्रूर हमला बताया है। जिसका डर था वही हुआ। ना जाने किस मनहूस की नजर बांग्लादेश को लग गई। चंद दिनों में पाकिस्तान से लेकर तालिबान तक बन गया। वही जहालत, वही दरिंदगी। कहीं इसी दरिंदगी का शिकार तो नहीं हो गई बांग्लादेश की ये होनहार पत्रकार। ये है सारा रहनुमा, बांग्लादेश के नामी ग्रामी टीवी चैनल गाजी की टीवी पत्रकार। बांग्लादेश में दरिंदगी की जो बाढ़, जो सैलाब, जो सुनामी आई है, उस सुनामी के बीच सारा रहनुमा का शव राजधानी ढाका की हातिर झील में पाया गया। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब किया? सारा रहनुमा का शव मिलने के बाद सवालों के इतने पहाड़ खड़े हैं जिनके जवाब फिलहाल तो गायब हैं। आखिर 32 साल की सारा के साथ क्या हुआ होगा? क्योंकि मौत से ठीक कुछ समय पहले फेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट साझा की थी। उस पोस्ट को लिखे हुए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। सारा ने फहीम फैसल नाम के युवक को टैग करते हुए पोस्ट लिखा था, आप जैसा दोस्त पाकर अच्छा लगा, ऊपर वाला हमेशा आपका ध्यान रखे, आप जल्द से जल्द अपने सारे सपने पूरे करें। मैं जानती हूँ कि हमने साथ मिलकर बहुत सी योजनाएं बनाई थी, माफ कीजिएगा, मैं हमारी योजनाओं को पूरा नहीं कर सकती, ऊपर वाला आपको जीवन के हर पहलू में आशीर्वाद दे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सबसे बड़ी झील हाथी झील में एक सब मिलने से सनसनी फैल गई। ये सब बताया जा रहा है बांग्लादेश की जानी मानी पत्रकार और टीवी चैनल की एंकर सारा रहनुमा का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सारा बेहद खुश दिख रही हैं। फिर आखिर क्या हुआ उनके साथ कि कुछ ही देर बाद उनका शव ढाका की हातिर झील में मिलता है? आखिर सारा रहनुमा का कसूर क्या था कि वो एक पत्रकार थी? सारा की मौत पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर निशाना साधा है। साजिब वाजेब ने लिखा, देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक और क्रूर हमला है। गाजी टीवी एक धर्मनिरपेक्ष चैनल है जिसके मालिक दस्तगीर गाजी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। तो क्या माना जाए, क्या सारा भी कट्टरपंथियों की घिनौनी कट्टरता की भेंट चढ़ गई? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ढाका से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।